हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवेक। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करना है कि हम लोग बताना है कौन सा नंबर जो है 6 से डिविजिबल है या फिर डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग अगर किसी भी नंबर को चेक करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, 2 से चेक करना होता है, 3 से चेक करना होता है। इसलिए हम ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना चुके हैं 2 और 3 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हम लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से बताना है कि कौन सा नंबर जो है इसमें 6 से डिविजिबल है। अगर आप 6 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नंबर को चेक करेंगे कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो हम समझ जाते हैं कि वो जो नंबर होता है 6 से डिविजिबल होता है। चलिए तो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 4 है, तो हम लोग मालूम है 4 है तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे इसको 3 से। 3 से क्या करते हैं, हम लोग सबको ऐड करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, और 27 जो होता है 3 के टेबल में आता है। यानी कि ये 3 जो नंबर होगा 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, वो जो नंबर होता है 6 से भी डिविजिबल होता है। फिर अगला नंबर दिया है कि 1258, इसमें हम लोग बताना है कि नहीं। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8, तो चूंकि 8 है तो ये जो होगा 2 से तो डिविजिबल होगा ही। फिर इसको हम सेपरेटली ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, और 16 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये अगर 2 से है लेकिन 3 से नहीं है तो ये 6 से भी नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए तभी जाके 6 से डिविजिबल होगा। फिर अगला नंबर इसके लास्ट में क्या है, 5 है, इसका मतलब ये जो होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर इसको सेपरेटली ऐड करते हैं, 4 और 3 7, और 7 और 3 10, और 10 और 5 15, और 15 जो होता है 3 के टेबल में आता है। तो यानी कि ये जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्या दिखा कि हम लोग ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर अगला नंबर दिया यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 है, 3 है, इसका मतलब ये जो होगा 2 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। फिर इसको चेक करते हैं, 3 से तो 6 और 1 7, और 7 और 2 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, और 15 जो होता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है यानी कि ये जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से नहीं आया 3 में आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो होगा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 2 है, लास्ट में 2 है यानी कि ये जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। फिर हम लोग देखते हैं 3 से है कि नहीं, तो 9 और 0 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, और 18 और 2 20, और 20 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं है यानी कि 6 से भी नहीं होगा। फिर अगला नंबर दिया है इसमें लास्ट में 0 है, यानी कि 0 है, यानी कि ये जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। फिर सबको सेपरेटली ऐड करते हैं, 4 और 3 7, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, और 0 27, तो 27 जो होता है 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर अगला नंबर है लास्ट में क्या है, 4 है, 4 है लास्ट में, यानी कि ये जो होगा 2 से तो डिविजिबल होगा ही। फिर हम लोग सेपरेटली ऐड करते हैं, तो 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 0 17, और 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, और 30 जो होता है 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर अगला नंबर देखते हैं इसके लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये जो होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होता यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 से चेक कर सकते हैं, तो कितना 1 2 और 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है तो 6 से तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, तो ये जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से चेक करेंगे इसको, तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, और 21 जो होता है 3 के टेबल में आता है यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से भी है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये 2 है, तो यानी कि ये जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। 3 से चेक करेंगे हम लोग सबको सेपरेटली ऐड करेंगे, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 20 और 2 23, और 23 जो होता है 3 के टेबल में नहीं आता है यानी कि ये जो होगा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सारे नंबर को चेक कर लेना है कौन सा नंबर उसमें 2 से है, और जो डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, तो आपको समझ जाना है कि वो जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।